हम सब लोग बहुत ही बुरी परिस्थितियों का अभी सामना कर रहे हैं। जो लोग अकेले में हैं, क्वारंटीन हैं, उन लोगों का समय और भी बहुत बुरा जा रहा है। देखिए, हालात बहुत बुरे हैं, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज समय पैसा कमाने का नहीं है, आज समय जिंदगी बचाने का है। इन हालातों में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, बाहर जाने से रोकना है, बार बार हाथ धोना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है। ऐसे समय में लोग क्या करें जब वो अकेले हैं। जिनकी बाहर जाने की आदत है उन्हें ज्यादा परेशानी है, जो घर में रहते हैं उनके लिए बहुत परेशानी की बात नहीं है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये बहुत परेशानी का विषय नहीं है, पुरुषों के लिए बहुत ही परेशानी का विषय है, क्योंकि उन्हें दिन भर घर में रहना पड़ रहा है। लेकिन ये समय ही ऐसा है कि आज घर में रहने वाला ही इस युद्ध को जीत सकता है, इस लड़ाई को जीत सकता है। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बोर होना किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी कर लेना, अकेले हो जाना, डिप्रेशन में जाना, ये सब बातें बेकार बातें हैं। आज समय है कि हम ये समय को व्यतीत कैसे करें। ये समय वो है जब आप अपने लिए जिएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। आपके अंदर कोई कला है, कोई हुनर है, आप परिवार के साथ में कुछ गेम्स खेल सकते हैं, अपनी कलाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। दूसरे में आप परिवार के सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करके सवेरे के टाइम पे योगा कर सकते हैं, उसके बाद में सब एक साथ में नाश्ता कर सकते हैं, उसके बाद में सब एक साथ में बैठ के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ में बैठ के भोजन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर का जो समय होता है वो मुश्किल से कटता है, लेकिन उस समय को बिताने के लिए आप आज तक पांडालों में कथा सुनने को जाते थे, भजन सुनने को बाहर जाते थे, आज परिवार के सब लोग इकट्ठा बैठ के अखंड रामचरितमानस के पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता शुरू कर सकते हैं। कितने सारे शास्त्र है हमारे पास पढ़ने के लिए। एक सप्ताह में हम सप्ताह सुनने जाते हैं, एक सप्ताह में हम इन सब को खुद पढ़ के पूरा कर सकते हैं क्या, कृष्ण की लीलाएं जान सकते हैं क्या। ये करने का समय है अभी हमारे पास में, हमने इसको करके देखना चाहिए। हम क्यों नहीं इन सबको करना चाहते हैं। भजन हम गा सकते हैं, अंताक्षरी हम खेल सकते हैं, बहुत सारा ऐसा होमवर्क है जो हमने बहुत समय से नहीं किया है परिवार के लोगों के साथ में, वो आज हम कर सकते हैं। तो इस समय को भी अपना द बेस्ट समय बनाई है, इसको आप अवसाद में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में बर्बाद मत कीजिए। ये समय भी ये सोच के कि ऐसा समय हमें बड़ी मुश्किल से मिला है अपने जनों के साथ में, उठने बैठने के लिए, कार्य करने के लिए, उनको समय देने के लिए, तो ये आपका पारिवारिक समय हो गया है। इस पारिवारिक समय का भी लाभ उठाइए। आज जो कमाई आपने कर ली है उसी को बैठ के खाना है। जब हम इस लड़ाई से जीत के आ जाएंगे, जब हम इस युद्ध को विजयी करके जब आ जाएंगे, तब हम असल मायने में विजयी होंगे और इस जीवन को हम अच्छे से जी पाएंगे। आज किसी भी तरह की व्यावसायिक परिस्थितियां नहीं है, तो बाहर जाने से बचें, सुरक्षित रहें, शांत रहें, घर बैठें और एंजॉय करें।